हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई बहुत ही इजी और टेस्टी केक की रेसिपी। जैसे हम इन पार्ले जी के बिस्किट से बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने ये बड़ी वाली बिस्किट ली है, 10 रुपये के 2 पैकेट। आप अपने मन अनुसार कोई भी बिस्किट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन पार्ले जी से बना हुआ बिस्किट की जो बात है ना, वो एकदम अलग ही होती है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो सभी बिस्किट को मैंने यहाँ पर एक बाउल में निकाल लिया है और अब हमें इसको तोड़ देना है। तो आप चाहे डायरेक्ट मिक्सी के जार में भी डालकर इन्हें तोड़ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, क्योंकि हमें इसका पाउडर ही बनाना है। तो बिल्कुल ऐसे हाथ से रफली आप ऐसे तोड़ दें। तो सारी बिस्किटों को हमने इस तरह से देखिए तोड़कर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक मिक्सी का जार लिया है, उसमें डालकर हमको इसका एकदम महीन पाउडर बनाना है, जिससे कि इसका केक बन सके। मिठास के लिए इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप चीनी, जिससे कि थोड़ी मिठास बैलेंस हो जाए। तो ये देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लिया है, एकदम पाउडर जैसे बना लिया है। अब एक बाउल में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं डालना है। तो ये हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया है। अब हमें इसमें मिक्स करना है अच्छी तरह से। अगर आपको बेकिंग पाउडर नहीं डालना है तो मिक्सर रेडी करने के बाद आप इसमें एक से ऐसे इनो का डालकर भी आप इसे बना सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लिया है, बहुत गर्म या ठंडा नहीं लेना है। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करते जाएंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे। तो बैटर हमारा बहुत ही ज़्यादा ना ही थिक है ना ही थिन, मीडियम कंसिस्टेंसी का रखना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें बहुत ही बढ़िया सा एक बैटर तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमने ये राउंड शेप का केक टिन लिया है, आप इसे ब्रेड वाले टिन में या फिर जिस भी टिन में बनाना चाहे बना लें और इस तरह से ऑयल कर लें अच्छे से। ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि केक हमारा चिपकेगा नहीं। और अब हम इसमें डाल देंगे हमारा ये बिस्किट वाला केक मिक्सचर जो है हमारा, तो इसको हम अच्छी तरह से डाल देंगे। कभी भी केक बनाने के लिए जो टिन है वो बहुत ऊपर तक नहीं भरना चाहिए, क्योंकि जो केक होता है ना अपने साइज़ का डबल हो जाता है। तो ऐसे करके आप हाफ़ करके भरें और इसे काफ़ी अच्छी तरह से टैप कर लें। टैप करने से क्या होता है ना कि इसमें कोई भी एयर बबल्स नहीं रह जाते हैं और केक जो है बहुत ही बढ़िया से इवनली बेक होता है। नहीं तो क्या होता है, बीच से या तो फिर अंदर चला जाता है या फिर बहुत ज़्यादा होल हो जाते हैं। तो हमने इसे अच्छे से टैप कर लिया है। अब इसमें ऊपर से हम डाल देंगे कुछ काजू बादाम, तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों वो आप अवेलेबल हों वो डाल दें, उससे ये देखने में बहुत ही लुकवाइज सुंदर भी दिखेगा और टेस्टी भी बन जाएगा। अगर आपके पास टूटी फ्रूटी हो तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। मतलब ये टोटली ऑप्शनल है कि जो भी आपके पास यहाँ पर हो वो आप डाल दें। और अगर आप इसे प्लेन बेक करना चाहते हैं तो आप इसे प्लेन भी बेक कर सकते हैं। तो ये बेक होने के लिए एकदम तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पर एक इसे मोटे तले के बर्तन में बेक कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये मोटे तले का बर्तन ले लिया है। एक प्लेट रख लें आप या स्टैंड रख लें, 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। 5 मिनट के बाद ये देखिए बर्तन बहुत ही बढ़िया से गर्म हो गया है हमारा। अब इसको रख देंगे हम बेक होने के लिए। 20 से 25 मिनट में ये बेक हो जाता है, एक बार आप 20 मिनट में चेक करके देख लें। तो ये देखिए केक हमारा टोटल 25 मिनट में बेक हुआ है। आपको देख के ही पता चल रहा है साइड से इसने कॉर्नर छोड़ दिए हैं। इस तरह से टूथपिक डालकर देखेंगे तो एकदम क्लीन निकलेगी, अगर ना निकले तो आप 5-6 मिनट के लिए फिर से बेक होने के लिए रख दें। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी बिस्किट का केक। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।